असलान इजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से डेफिनेशन इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एल पी पी यूनियर प्रोग्रामिंग वेयर द ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अटम अ नंबर ऑफ सोर्सेज डेस्टिनेशन ठीक है क्या है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है हमारे पास स्पेशल टाइप है लीनियर प्रोग्रामिंग की जिसमें हम क्या करते हैं कि मिनिमाइज़ करते हैं कॉस्ट को ठीक है लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ रिसोर्स होते हैं उन रिसोर्स को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि जो प्रॉफिट है वो क्या हो सके मैक्सीम हो सके और जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके ठीक है एल का क्या मतलब है कि प्रॉफिट मैक्सीम हमने करना है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हमने क्या करना है मिनिमाइज करना है ये हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग एल नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिसमें ये जनरल जो है वो फार्मूला है इसका क्या है मिनिमाइज कॉस्ट ठीक है कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे हमारे पास क्या है सम ऑफ आई वेर इज वन टू एन एंड सम ऑफ जे वेर इज वन टू एन सी आई जे एक्स आई जे वेयर आई हमारे पास क्या है फर्स्ट डेस्टिनेशन है और सी जे सी आई जे हमारे पास क्या है यूनिट कॉस्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है सम जे वेर इज वन टू एन एक्स आई जे इक्वल टू ए आई अब ए आई हमारे पास क्या है सप्लाई है और बी जो है हमारे पास क्या है डिमांड ठीक है हमें एक वो दिया गया होता है जिसमें जनरल फार्मूला मतलब कि कैसा होता है यानी कि यहाँ पे हमारे पास ए आई होगा वो जो हमारे पास सप्लाई है और साथ हमारे पास क्या है डिमांड की है ठीक है वेन सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा फिजिबल सोल्यूशन ठीक है हमें सप्लाई और डिमांड की होगी उसका जो सम होगा वो इक्वल होगा ठीक है तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा फिजिबल सोल्यूशन मॉडल जो हमारे पास क्या होगा बैलेंस्ड होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो सप्लाई है और डिमांड है वो इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या होगा मॉडल इज अनबैलेंस्ड द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड

अब इसमें हमारे पास क्या है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होती है सप्लाई इक्वल टू डिमांड ठीक है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है जो सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होती इस केस में हम क्या करेंगे ठीक है बिफोर स्टार्टिंग वी विल कन्वर्ट द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो गिवन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी उसको हम क्या करेंगे उसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक डमी रो या कॉलम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ठीक है गिवन कंडीशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट मैथड ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैथड्स है हमारे पास डिफरेंट मैथड ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मैथड द मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, द रो मिनिमम मेथड, द कॉलम मिनिमम मेथड, वोगल्स मेथड, यूवी मेथड और मल्टीप्लायर मेथड। ये हमारे पास मेथड हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एलबीपी को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन मेथड को यूज़ करके जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे